हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो 12 फरवरी को होने वाली बीपीएससी पीटी जो 68वीं की, उसको लेकर आए उससे तर्क है। तो क्या क्या है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, गाइडलाइन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो क्या है, 12 फरवरी को आयोजित होने वाली 68वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग काफ़ी सतर्कता बरत रहा है। ईश्वर पहचान पत्र साथ होने पर ही अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश पत्र दिया जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय जिस पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है उसे ही साथ, ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इधर परीक्षा के 2 दिन पहले ही एक बार फिर आयोग ने अपने वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देशों के तहत परीक्षा में कदाचार करने वाले या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ पकड़े जाने वाले परीक्षार्थी अगले 5 साल के लिए परीक्षा से निलंबित कर दिए जाएंगे। परीक्षा के बारे में अफवाह, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से फैलाने वाले अभ्यर्थी भी 3 साल के लिए निलंबित होंगे। मतलब दो चीज इसमें स्पष्ट है कि वही आईडी कार्ड ले जाएं जो आपको दिया गया है, जो आपने बीपीएससी के फॉर्म भरने, खासकर 68वीं में जो आपने भरा वही ले जाना। अगर दूसरा ले जाते हैं तो हो सकता है आपको केंद्र में प्रवेश, इस चीज़ का पूरी तरह ध्यान रखे। अगर नहीं है तो उसको, अगर आधार कार्ड है तो उपाय हो सकता है, क्योंकि आप उसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं और उसका कार्ड भी आप दुकान से बनवा सकते हैं। दूसरा इसमें सावधानी है कि आपको कदाचार में अगर किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं तो आपको 3 साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। सूबे के 38 जिलों में 805 केंद्र बनाए गए। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा में 4,34,671 अभ्यर्थियों ने शामिल होने के लिए आवेदन, इससे पहले क्या था 67वीं में आपको 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राज्य में 38 जिलों में 805 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित, पटना में 68 केंद्रों पर 40,477 अभ्यर्थियों शामिल होंगे। पहली बार बीपीएससी में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएगा, 1/4 निगेटिव होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को मिला है इसमें होम सेंटर दिया गया है। अभ्यर्थी को राइटर बनाने के लिए इंटर छात्रों का चुनाव कर सकते हैं। इसका आवेदन केंद्र अधीक्षक को दिया जाएगा। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। OMR में व्हाइटनर लगाने पर निगेटिव मार्किंग, OMR सीट पर व्हाइटनर का इस्तेमाल कर निगेटिव मार्किंग दी जाए। छात्रों को OMR सीट रखते समय विशेष ध्यान देना होगा, अभी सभी निर्देश को गंभीरता, मतलब व्हाइटनर का आप यूज नहीं कर सकते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप लोग जो, क्योंकि जनरली क्या होता था कि आपको 12 बजे परीक्षा है तो आप 10:45 पहुँच गए, 11:30 बजे तो आपको प्रवेश मिल जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 11 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं किया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के 1 घंटे बाद छात्रों को केंद्र में ही रहना है। अभ्यर्थियों के सामने ही प्रश्न पत्र को सील किया जाएगा। इनके सामने OMR सीट की वीडियो क्राफ्टिंग कराते हुए खुला जाएगा। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं वो सावधानियां हैं जो कि आप लोग लेके, और उसके बाद क्या है, CUT UG 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा में जो कि 21 से 31 मई तक है जो कि होगी। तो क्या है, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक के सभी कोर्सों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन है जो कि शुरू हो गई। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि 12 मार्च है और एंट्रेंस की परीक्षा जो कि 30 अप्रैल को होने की संभावना है। और CUT का है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि CUT UG का आयोजन 21 से 31 मई तक किया। 23 अंग्रेजी व हिंदी 11 अन्य भाषाओं में हो सकता है। 6 डोमेन विषयों का चुनाव कर सकते हैं स्टूडेंट। CUET smart.ac.in पर जो क्या कर सकते हैं आवेदन। अब कक्षा जो कि 12वीं के अंक के आधार पर नामांकन नहीं होगा। नर्सिंग कैडर बदलेगा, स्टाफ नर्स बनेगी नर्सिंग ऑफिसर। तो प्रदेश में सरकार वर्षों पुराने नर्सिंग कैडर में बड़े बदलाव की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए का पद समाप्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पद पर पूर्व से कार्य कर रही नर्सों के पदनाम को नर्सिंग ऑफिसर करने का प्रस्ताव तैयार किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के कई अनुपयोगी पदों को समाप्त किया गया था। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ग्रेड ए नर्स का भी पद समाप्त कर दिया गया है। भविष्य में इस पद को संविधा के आधार पर नियोजन नहीं होगा। पूर्व से जो ए ग्रेड नर्स कार्य कर रही हैं उनका पदनाम अपग्रेड कर नर्सिंग अफसर रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवा
एएनएम और जीएनएम कोर्स के उच्चतर स्तर पर बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई होती है। एएनएम नर्स को बी ग्रेड जो कि जीएनएम कोर्स करने वालों का स्टाफ नर्स का नाम दिया गया है। नर्सिंग सेवा कार्य नर्सों का मूल कार्य डॉक्टरों द्वारा मरीजों का दिशा निर्देश को पालन और विवेक का आधार नर्सों को इलाज की दवा सलाह नहीं दे सकती है। स्वास्थ्य विभाग की मान नर्सिंग अफसर अपग्रेड होने से नर्स को इलाज का भी कुछ अधिकार दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में यदि आकस्मिक स्थिति में डॉक्टर मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में नर्सिंग अफसर मरीज का प्रारंभिक इलाज उसे रेफर कर सकेंगे, लेकिन इससे पूर्व बीएससी नर्सिंग करने 6 माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति, मतलब एक तरह से कहें तो ये अच्छी पहल है कि जो स्टाफ ग्रेड का नर्स को पद के समाप्त कर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और अफसर है जो कि कहा जाएगा और इमरजेंसी में इलाज भी कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अब सीधे ग्रेड 1 की नौकरी मिलेगी, तो यह माननीय मुख्यमंत्री ने किया कि जो भी लोग पदक जीतेंगे उनको जो कि अब सीधे एसडीएम डीएसपी का पद है जो कि मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप मेडल जीतते हैं। और इससे पहले खिलाड़ियों को ग्रेड 3 में नौकरी दी जाती थी, मतलब अब जो है आपको जो लोग जी मेडल और नौकरी पाओ के सिद्धांत पर एसडीएम और डीएसपी भी बन सकते हैं। एसएससी सीजीएल का है जो कि आपको रिजल्ट है जो कि कल जारी कर दिया गया है। कट ऑफ है जो क्योंकि सीटों की संख्या है जो कि बहुत ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 1/12/2022 13/12/2022 बेस्ट ऑन स्कोर टीयर 1 एग्जामिनेशन कैंडिडेट वे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज अपीयर इन टीयर 2 सेपरेट कट ऑफ में ये सब दिया हुआ है। जनरल की कितनी गई है कट ऑफ मार्क्स, अकाउंट ऑफिसर के लिए है ये 158 गया है, और ये जो है जूनियर स्टेटिकल के लिए जनरल की गई है ये सब दिया, जनरल की नहीं है। इसमें मेन जो है आपको जो बड़े लेवल पर है पोस्ट अदर पोस्ट देन एओ एंड जेएसओ का कट ऑफ जो है मेन कट ऑफ यही है। जनरल की 114 गया, इसमें 73,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का कट ऑफ भी सेम गया है और वो है 114.27, इसमें 98,000 लोग है जो कि इसमें क्वालिफाई किए, जनरल से ज़्यादा है जो कि ईडब्ल्यूएस में 53,000 लोग क्वालिफाई किए, 360,432 लोग हैं जो कि क्वालिफाई किए। सीटों की संख्या कितनी है, 37,000 है, लगभग जो 10 गुना है जो कि रियल इसमें दिया गया है। पूरी रोल नंबर वाइज है जो कि ये दिया हुआ है। 134 कैंडिडेट केप्ट विथ हेल्ड कोर्ट ऑर्डर के कारण है जो कि इनका रोक दिया गया है। मार्च द क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट भी 22/2/2023 ऑन द कमीशन और 8/3 तक है जो कि आप मार्च से जो कि देख सकते हैं रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड से। और क्या है द टीयर 2 ऑफ कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन शेड्यूल 2 मार्च से 7 मार्च को होगा सब्जेक्ट टू प्रिवेलिंग कंडीशन गवर्नमेंट गाइडलाइन। आंसर की है जो कि टीयर 1 ये सब जो है पब्लिश और फाइनल आंसर की जो है आपको 22/2/2023 को जारी कर दिया जाएगा। तो यही अपडेट है।